हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में, HDFC AMC के बारे में बात करने वाले। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट अभी 3-4 दिन पहले एक शेयर पे वीडियो बनाया था, इंडिया मार्ट के ऊपर बनाया था मैंने। और उस टाइम मैंने बोला था कि ये ऑलमोस्ट थोड़े से शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसे मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको रखोगे तो आप बहुत अच्छा पैसे प्रॉफिट ले सकते हो। तो गाइज़, मैंने बताया था तो 3, 4 या 5 दिन हुए हैं उस शेयर को बताए हुए, और उस टाइम उसकी प्राइस थी 3521 रुपये। आप मेरी वीडियो देख सकते हो वो जाके, अगर आपको भरोसा नहीं है तो। 3221 रुपये का शेयर था और आज सिर्फ 4 से 5 दिन हो रहे गाइज, 4098 रुपये शेयर की करंट प्राइस है। आप देख सकते हो 4092 रुपये, अभी ये लाइव चल रहा है, 98 था 92 हो गया। तो गाइज, आप देख सकते हो 500 रुपये, गाइज 500 नहीं 600 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। देखो 4100 हो गया, 600 रुपये इंक्रीज़ हो गया गाइज। आप सोचो कि मैंने जो बोला वो सच है। तो गाइज, आप जो भी मैं अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये शेयर में आप पैसे लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो, आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना खुद का थोड़ा रिसर्च कर लो और फिर लगाओ। तो गाइज, हम बात करते हैं अब HDFC AMC के बारे में। तो HDFC AMC जो है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट को मैनेज करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वॉज अप्रूव्ड टू एक्ट एज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर HDFC म्यूचुअल फंड्स बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ठीक है। तो आपको समझ गया। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं गाइज, इसके बारे में हम इसके मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। 51,461 करोड़ इसके मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रही है शेयर की, करंट प्राइस 2418 रुपये चल रही है। 52 वीक का जो हाई और लो जो बनाया है इसने, 3844 रुपये हाई था और 1962 रुपये जो है कि लॉकडाउन में मेरे हिसाब से चला गया था। तो और इसकी बुक वैल्यू मैं बता दूँ 189.29 रुपये है। और स्टॉक का पी यू रेशियो जो है वो 40.43 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ROCE की, बात करते हैं तो 46.82% है। और ROE की बात करें तो ROE 35.56% है। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 ईयर्स में 10.65% सेल्स ग्रोथ है। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपीज़ है। हम आते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं गाइज। ये 1 साल का चार्ट है, ठीक है। तो 1 साल के चार्ट में आप देख सकते हो कि गाइज 2652 रुपये जो है कि सितंबर 2019 में था 2652 रुपये, और ये फिर बढ़ के गया सितंबर 2023 को, गया 2900 रुपये, और ये घटते बढ़ते गया था ये गाइस, ये नवंबर 2019 में गया था 3769 रुपये 75 पैसे। तो ये घटते बढ़ते फिर जब लॉकडाउन हुआ था गाइस, तो लॉकडाउन में जब 25 मार्च 2020 को इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो बनाई थी, वो गया था 2038 रुपये। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उठा और ये अप्रैल 2020 में जो है कि 2792 रुपये गया था। उसके बाद फिर थोड़ा गिरा, ऊपर हुआ, और ऐसे करते करते ये जो है कि अभी करंट प्राइस इसकी जो चल रही है वो 2417 रुपये चल रही है। और गाइज, ये मेरे हिसाब से 3 से 4 साल में ये ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार क्रॉस करने वाला है, जहाँ तक मेरा एक फोरकास्टिंग है। मैं एक फोरकास्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, इस शेयर के ऊपर। तो गाइज़, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करना, बहुत ही रिसर्च करना वो आपका ज़रूरी है। आप रिसर्च करो फिर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लो गाइज, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो मार्च 2020 में थी वो 79.61% थी, और कम होके जून में 73.95% हो गई। FIIs की जो होल्डिंग्स थी वो 8% थी मार्च में, और बढ़ के 10.70 हो गई है जून में। और DIIs की जो बता दूं मैं, मार्च में इनकी जो होल्डिंग्स थी वो 1.40 था, लेकिन जून में बढ़ के वो 3.20 हो गया। पब्लिक की जो हिस्सेदारी थी वो 10.99% था मार्च 2020 में, और जून में 12.14 हो गई है, ठीक है। तो गाइज, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब मैंने इसके बारे में, शेयर के बारे में आपको बता दिया कि शेयर जो है कि आप बिल्कुल ये बहुत अच्छा शेयर है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करना, वो चीज़ करना मत भूलना। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है ये,
तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और आप इन्वेस्टमेंट करके देख लो गाइज़, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए आपको प्रॉफिट ज़रूर होने वाला है। मतलब 1 महीने तो एटलीस्ट रखो ही, तो आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर शेयर है ये। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और गाइज़ आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।